मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑन द स्पीति वैली। रात को हम पहुंच चुके थे और ठंड बाहर इतनी गंदी है। ये हमारा होमस्टे का रूम है, ये तीन जने इधर हैं, चार जने उधर हैं और डाटा सारा ट्रांसफ़र हो रहा है और टाइम हो चुका है नौ। ये मैसे है भाई, खाना खतरनाक, सब कुछ ओके है। इधर कुछ स्नोफॉल हुई नहीं हुई पर सामने हुई हुई है, उधर है और इधर इसके पीछे। ये बोल रहे थे कि भाई अब तक तो इतनी स्नो हो जाती है पर इस बार स्नोफॉल हुई नहीं है ज़्यादा। अभी हम रेडी हो रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए, देख के आएंगे, तब तक ये सारे लोग उठ जाएंगे। नींद थोड़ी जल्दी खुलगी, बाकी सारे सो रहे हैं। मैं और बट्टल सेठ अपने पंकज जी थोड़ा टहलने आए हैं, गेड़ी मारने आए हैं और ये कुंजुम पास। भाई जितनी सुंदर जगह है ना उतनी ज़्यादा ठंड भी है, पर ठंड फर्क नहीं पड़ती। आप अपने कपड़े अच्छे से लेके आओ, प्रॉपर कपड़े लेके आओ, प्रॉपर गियर्स लेके आओ, स्पोर्ट्स शूज़ मत लेके आना, अपना एक डिकैथलॉन से अच्छा सा शूज़ ले लेना जिसमें ठंड ना लगे माइनस डिग्री का टेम्परेचर का और वाटर प्रूफ हो, और आप हाई आइस पर भी चल सकते हो और बच जाओगे भाई। ये मॉनेस्ट्री है और ऊपर वहाँ से रास्ता है, वहाँ से स्कूल है ऊपर। और बाकी एक बात और बतानी थी, कल हम 10:30 बजे नाको में थे और बंदे कह रहे थे 2-2.5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। हम 10:30 बजे चले और यहाँ पे 11:55 में पहुँच चुके थे काजा में। हमने सुबह सोचा भी यही था काजा आएंगे पर रास्ते में दिक्कत हो गई थी, वो चैन में फंस गई थी गाड़ी, उसके बाद हिम्मत हार चुके थे हम। बट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। कैनी होटल और आए बिल्कुल आराम से, हमने फास्ट भी नहीं चलाई, रात को ऐसे भी नहीं चलती यहाँ, आराम से आए। व्यू मिस हुआ पर जाते वक्त शायद यहीं से जाएंगे क्योंकि रास्ते बंद हैं, तो व्यू दिन के व्यू वो भी कवर हो जाए। बता भाई क्या बोल रहा तू? मैं ये कह रहा था मैं मज़ा आ रहा है यार, स्पीति वैली में बैठे कॉफी पी रहा दोनों भाई, सामने रेतीला पहाड़, इधर बर्फीला पहाड़, चोर कर इधर बर्फ नहीं पड़ी, अंदर बैठ के पी रहे होते, मज़ा आ रहा है और धूप सही कर रहा देख, आ नहीं रहा मज़ा, धूप का तो व्यू ही व्यू है यार, इसके ऊपर क्या मिलेगा अपने को, मौत है बस। अरे यार जाना है नर्क, जाना है नर्क तो जैसे अपने गर्म किए हैं, नर्क वाले बंदी हैं अपन, स्वर्ग तो नसीब होता नहीं भाई अपने को, नर्क भी जगह पक्की कर रखी है, सीट पक्की है, स्लिपरी, कॉफी अच्छी बोलो भाई, खाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाना बेस्ट है, बहुत बढ़िया खाना है, लोकेशन के हिसाब से ना ऑन टॉप चल रहा है खाना। पर ये है कि गाड़ी में दिक्कत आ रही है, बस सिंथेटिक ऑयल डलवाया होता ना दिक्कत ना, पता नहीं था यार माइनस में इतना जाएगा टेम्परेचर, सारे पता नहीं था कुछ बीती में जाएगा, ये तो नहीं पता था यार सिंथेटिक है या नहीं, मेरे को ये नहीं पता था कि वो डीजल और मोबिल ऑयल भी जमेगा। हाँ वही तो बातें हैं, पेट्रोल वाला नहीं जम रहा, पेट्रोल वाली स्टार्ट नहीं की यार अभी तक हमने, पेट्रोल वाली उसने मना कर दी थी रात को कि भाई पेट्रोल वाली में कोई दिक्कत नहीं है, डीजल वाली में दिक्कत है, पता लगेगा यार सुबह जब स्टार्ट करेंगे, बैटरी तो बैठ जाएगी यार इतना टेम्परेचर में, रात को -25 था यार, फोन की बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है ना, पूछ मत। हम लोग हमारी दिल्ली से हमारे यहाँ, टाइम हो गया 12:45, 12:45, 12:45 और अभी हम जा रहे हैं की और खाइबर की तरफ, और खतरनाक रास्ता है भाई, इतना सुंदर रास्ता है। बाकी गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है, थोड़े लेट हो चुके हैं बट आज ये तीन जगह हैं खाइबर की और एक और जगह है, वो तीनों हो जाएंगी अपनी, तो अभी वहाँ जाते हैं फिर वहाँ पे देखते हैं क्या है देखने का। Set, 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 set
तो अपने को भी थोड़ा सा रखना चाहिए, देखने की चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। आओ देखो, 700 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, बोला भी नहीं जा रहा। ये भाई नीतीश भाई हमारे पहली बॉल पे हो गए आउट। सैम दोस्त है तू अपना और बैट्समैन का काम है रन बनाना, बनाएंगे देखो दोनों। चीचम ब्रिज एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। उधर शायद है चीचम विलेज। करते हम आगे उधर से इधर। अब भाई का मन ना मैगी खाने का, भाई कहता इधर बैठकर मैगी खाएंगे हम तो बना के। ये देखो भाई रोड जा रही है ऊपर से।
तुप्पा चाहिए, तुप्पा एक तुप्पा वेज और चिकन वेज तुप्पा बढ़िया लगे तेरे को। झंडा कदल लक के लिए अच्छा होता है, अब ये तो बांधने के बाद ही पता लगेगा भाई। लक के लिए अच्छा होता है, लक अच्छा होता है, इससे लक अच्छा होता है, इससे लक अच्छा होता है, लक एक ही बात है भाई। लक भाई टाइम हो गया 5:46 साढ़े मेरे को भाई रूम पे आ चुके हैं। क्या मस्त ड्राइव रही, रोड एक नंबर, कंडीशंस वेरी गुड। खाइबर में भी मज़ा आया, खाइबर में जो कैफ़े था वो बंद था, बट जो ब्रिज था इंडिया का नहीं एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है वो, और चिचम था उसका नाम। के बाद मार्केट में खाना वगैरह खाया और उसके बाद आ गए हम पूनम मोमोज, भाई एक नंबर थे। पूनम रेस्टोरेंट था, पूनम ढाबा। और भाई कैसे रहा तुम्हारा ट्रिप, कैसा रहा ये बताओ भाई। एक नंबर भाई, एक नंबर। फुल पैक पड़े हैं भाई ठंड में, इतनी ठंड है ना बाहर। स्नोफॉल का हीटर लगा के पूरा बैठे शाम, हीटर लगा रखा है। स्नोफॉल का पूरा 40% चांसेस है जो देखा है हमने 2 या 3 बजे, बट स्नोफॉल के -18 डिग्री टेम्परेचर है, -18 चल रहा है अभी टेम्परेचर, और कल रात को कुछ ज्यादा ही था, 26 हो जाता है रोज भाई। ठंड बहुत ज्यादा है पर मजे भी यार, जो चीज वर्दी है भाई, इतनी ठंड सहन करना वर्दी है, अल्टीमेट कभी लाइफ में नहीं देखे कभी। और टूर्नामेंट कैसा रहा भाई क्रिकेट? हमारा टूर्नामेंट बेस्ट रहा, हमने मोंग को चैलेंज दिया, उनको हराया भी, 4 ओवर में 14 रन उनके बनने दिए। उसके बाद हमारा एक बॉलर आया, मैं करूंगा बॉलिंग, उसने 1 ओवर में 17 रन दिए। उसके बाद हमने बैटिंग करते हुए छक्के चौके मारे, फिर भी हमें ना हार गए। तो मोंग बहुत तेज रहते हैं, पर उनके दिल में हमने जगह बना ली, उनके दिल में हम जीत चुके हैं। हमने ऐसे ही बॉलिंग करी, उनको भी बॉल दिखने दी हमने, पर मजा आ गया यार। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, अब कल मिलता हूँ, कल जाएंगे हम यहाँ से हिकिम की तरफ और उसके बाद जाएंगे पिन वैली। स्टे ट्यून्ड, राइड हार्ड, राइड सेफ, एक्सप्लोर मोर एंड गुड नाइट। भाई आप कुछ कहोगे? गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सबको।